पिछले कुछ दिनों से जो है तमिलनाडु में घटना घटी, बिहारी और हिंदी भाषी मजदूरों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी कंट्रोवर्सी को लेकर के जो है बिहार में लगातार जो है चर्चाएं जोर शोर से चल रही है। बिहार में विकास की बात नहीं हो रही है, बिहार में लोगों के रोजगार के बारे में नहीं कुछ कहा जा रहा है, बिहार में शिक्षा के बारे में नहीं कुछ कहा जा रहा है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट होती चली जा रही है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन बिहार में अभी फिलहाल आज 15 दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, हिंदी भाषी मजदूरों के साथ जब से मिसबिहेव और दुर्व्यवहार किया गया है तमिलनाडु में तब से लेकर के जो है अभी तक पिछले कुछ दिन पहले जो है बिहार पुलिस की ऑफिशियल फेसबुक पेज पे जो है कुछ पत्रकार और कुछ मीडिया चैनल जो यूट्यूब पर चलता है उनके ऊपर जो है 26 यूट्यूब चैनल और 4 मुख्य आरोपी के नाम से जो है बिहार पुलिस FIR दर्ज करती है कि तमिलनाडु में जो घटना घटी वह दरअसल झूठा है और ये लोग एक तथा कथित तौर पे जो है इस वीडियो को वायरल किए हुए हैं। क्या जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा था उस वीडियो का लोकेशन जारी किया गया प्रशासन के द्वारा? नहीं, प्रशासन जो है जिस गोपालगंज के मधेपुरा के स्थित एक व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हुई थी गोपालगंज पुलिस जो है उसकी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दी आज से एक दिन पहले कि उस व्यक्ति का मृत्यु तमिलनाडु के तलकी कहां पे हुआ था, कर्नाटका में हुआ था। अब मैं एक चीज बता दूं कि जब बिहार सरकार में उपस्थित मुख्यमंत्री जिसके अंडर में गृह मंत्रालय यानी कि पुलिस और प्रशासन है माननीय नीतीश कुमार जी, वह बोल रहे हैं कि बिहार में हिंदी भाषी मजदूरों के साथ जो तमिलनाडु में घटना घटी है उस पे जो है हम जांच कमेटी टीम बैठा करके वहां भेजेंगे, और वहीं डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी जांच कमेटी के रिपोर्ट सौंपने से पहले ही बोल देते हैं कि यह ऐसी घटनाएं नहीं घटी है। उनकी मां राबड़ी देवी बोल देती है कि ऐसी घटनाएं नहीं घटी है, यह जो है एक मनगढ़ंत कहानी है। तेजस्वी यादव जी के ही सपोर्ट से बिहार के DGP को जो है नियुक्त किया गया है। अब मैं एक चीज बता दूं कि DGP के अंडर में और उन्हीं के आदेशानुसार बिहार और दूसरे राज्यों में अगर बिहार के किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होता है तो कोई भी कमेटी काम करती है। तो क्या बिहार पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकती है? क्या सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग झूठ नहीं बोलते हैं? क्या ऐसी घटनाएं पहले नहीं आई है? तथा कथित कुछ पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से जो है FIR दर्ज कर और उन लोगों को घसीटा जा रहा है यह सरासर गलत है। और बिहार में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटी तो जो है यह बहुत ही निंदनीय होगा और इस प्रकार की घटनाओं उसको जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी जिस हिसाब से और जो सपना सच में आप देख रहे हैं बिहार के लोग सोच रहा है, सरकार में जब आप नहीं थे तो युवाओं को रोजगार के बारे में बात करते थे, बिहार की न्याय व्यवस्था और शासन प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते थे, लेकिन आज जब आप सत्ता में हैं तो आप ईमानदारी पूर्वक बताइए कि जिस दिन से आप सत्ता में बैठे हैं कितने प्रोजेक्टों का शिलान्यास बिहार में किया गया, कितने रोजगार की प्रावधान की गई, कितने लोगों को रोजगार देने की काम किया गया। लगातार अपराध बिहार में बढ़ रहा है, लगातार बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर होती चली जा रही है, बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और तथाकथित जो पत्रकार लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, लोगों की बातों को उठा रहे हैं, उन्हें जो है टारगेट करके और उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। मनीष कश्यप, आपको पता है हजारों लोग आज सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं। एक लड़की को मैंने देखा जो एकदम भोजपुरी लैंग्वेज में बेवजह उनको गाली दे रही थी। विक्टिम कार्ड पॉलिटिकल जब तुम लोग खेलोगे ना तो तुम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और यही दुर्दशा जो है बिहार की है। क्या बोल रहे हो भाई मनीष कश्यप, क्या उखाड़ लोगे? कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, न सरकार न शासन न प्रशासन कुछ नहीं उखाड़ेगा उखाड़ पाएगी, क्योंकि वह एक ब्रांड बन चुका है मनीष कश्यप। क्या करोगे उसको गाली दे करके? आज हजारों फाउंडर जो है उसके सपोर्ट में खड़े होने के लिए रेडी हैं, ऐसे थोड़ी ना वो चिल्ला रहा है। नहीं, पर टारगेट नहीं किया जाए, अगर टारगेट किया जाए तो गलत होगा। कुछ चैनल्स जो बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले हैं वो बोल रहे हैं मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं एज अ यूट्यूबर। किसको बोलते हैं यूट्यूबर भाई? मैं जरा पूछना चाहता हूं नेशनल चैनल वालों से कि कितने गरीब और कितने धरातल पर लोगों को न्याय मिला है आप लोगों की चैनल की वजह से। मोदी जी कहीं जाएंगे तो उसके कवरेज दिखाओगे, राहुल गांधी कहीं मीटिंग करेंगे उसके कवरेज दिखाओगे, कोई गायकर मर गया उसका कवरेज दिखाओगे। धरातल पे जमीनी हकीकत पे लोगों को राशन समय पर नहीं मिल रहा है, गैस समय पर नहीं मिल रहा है, पानी की सप्लाई समय पर नहीं मिल रही है, गांव में सड़क में अनियमितता बढ़ती जा रही है, PCC अच्छा से नहीं बन रहा है, कहीं पुल में घोटाला हो रहा है, कहीं ब्रिज अच्छे से नहीं बन रहा है। ऐसी कितनी घटनाएं है और ऐसी कितनी खबर है जो नेशनल TV चैनल वाले चला करके और उस घटनाओं का समाधान किए हों, जो ये YouTube पर जो न्यूज चैनल खोल करके और हम जैसे युवा साथी जो लोगों के जो है समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं उन्हें एज अ यूट्यूबर जो ये सोशल बड़े बड़े मीडिया हाउस बोल रही है, मैं इन मीडिया हाउस से बोलना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने न्याय दिलवाया है धरातल पे? एक परसेंट भी लोगों को न्याय नहीं मिला होगा आप लोगों के बड़े मीडिया हाउसों की वजह से। तो आप लोग हमें यूट्यूबर बोल रहे हो? जो है घटनाएं नहीं घटाई जाए, कहीं ना कहीं हम ही जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर और पत्रकारों की वजह से जो है ना आज देश में लोगों की वजूद बची हुई है, और आज लोग जो है ना हर जगह पे कहीं पर भी जाकर किसी भी पदाधिकारी से जाकर के बोल लेते हैं, दो टुक बातें कर लेते हैं, आंखों में आंखें मिला के बात कर लेते हैं,
अन्यथा बड़े चैनल वाले बता दो, कोई भी व्यक्ति जिनके इंसाफ के लिए बड़े चैनल वाले आकर वहां खड़े हुए हो, कोई नहीं आएगा। बिहार में ऐसी कई सारी प्रकरण हुई है, एक एक जगह 15-15 लोगों की मौत हो जाती है शराब पीने से। कितने चैनल, नेशनल चैनल जो आज तक है, जी न्यूज, रिपब्लिक भारत है, एबीवीपी है, कितने दिनों तक कंट्रोवर्सी चलता है, ब्रेकिंग खबर बस बनती है, ब्रेकिंग खबर। हम जैसे यूट्यूबरों और पत्रकारों की वजह से जो है ना, आज बिहार में लोग जो है किसी भी अधिकारी से बेहिचक जो है बातें कर लेते हैं। तो हमें यूट्यूबर नहीं बोलो, तुमसे पावरफुल हम जैसे यूट्यूबर और पत्रकार लोग हैं जो माइक लेके घूमते हैं फील्डों में, लोगों को न्याय दिलाते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, और आप हमें बोल रहे हो कि यूट्यूबर है। मनीष केशव जिसका यूट्यूब पर 5-6 मिलियन फॉलोअर्स है, आप उनको बोल रहे हो कि यूट्यूबर है, एज अ पत्रकार नहीं है। क्या होता है पत्रकारिता, किस प्रकार से किया जाता है पत्रकारिता? जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है और चैनल्स वाले हैं, वेब पोर्टल वाले हैं, जिन्होंने उनसे पहले खबरें चलाया, डिजिटल मीडिया वालों से पहले खबरें चलाया, आप उनके ऊपर कहे नहीं FIR करते हैं महोदय? क्यों? क्योंकि वह आपका कवरेज दिखाते हैं, और हम लोग आपका कवरेज नहीं दिखाते, हम लोग जनता की कवरेज दिखाते हैं, आम लोगों की कवरेज दिखाते हैं, इसलिए आपको दिक्कत है। तो यह दिक्कत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, जनता देख रही है। और बिहार के तथाकथित जातिवाद में बंटने वाले चंद गद्दार, संभल जाओ, सत्ता में बैठे जो ये नेता है ना, वह किसी के नहीं होते हैं।